हर बुधवार पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने बुधवार को कोतवाली थाने पर पुलिस चौपाल लगाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए जनपद के 16 थानों पर पुलिस चौपाल लगाया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस चौपाल में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी निर्धारित थानों पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण किए। उन्होंने कहा, कोतवाली क्षेत्र में आगामी त्योहारों को संपन्न कराने के लिए लोगों से जानकारी ली गई तथा नागरिकों ने बताया कि दशहरा के पर्व पर जब मूर्ति विसर्जन के लिए शहर से जाती है तो जहां पर अंधेरा होता है वहां पर कुछ अराजक तत्व गुट बनाकर रहते हैं और मौका पाकर मूर्ति विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं से मारपीट करते हैं और सड़कों पर शराब पीते हैं। नागरिकों ने एसपी सिटी से मांग करते हुए कहा कि विसर्जन के समय अंधेरे वाली गली व जगहों पर लाइट लगाई जाए, जिससे कि त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराया जा सके। जिसके संबंध में एसपी सिटी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी लाइट नहीं लगी है वहां पर लाइट की व्यवस्था की जाए तथा सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई किया जा सके। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक राम सिंह, विनोद कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, क्या बताएं आप लोग, मना हुआ है कि अभी कोई आदेश के लिए क्या है, कैसे है, क्या कैसे होगा आप लोग की तरफ से? गाय जलाएं तो अभी सीधी मैं वही बताऊँ, हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी होना ही है पूजा, तो ये है कि कोविड को देखते हुए सारी व्यवस्था बनाएंगे हम, और उसमें जो भी आप लोग का दिशा निर्देश होगा उसको किया जाएगा, और अपने तरफ से जितना भी हो सकेगा किया जाएगा। आप लोग जैसा निर्देश करेंगे तो आप लोग साथ हैं सर, हम लोग को क्या दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, सहयोग होना चाहिए। देखिए अच्छा तो गली भी जब धनुष जाती है तो मौके पर जहाँ जहाँ गली पड़ती है आर समाज मंदिर, आर समाज के मोड़ पे दोनों तरफ रोड है, रोड के क्रॉस में दोनों तरफ रास्ता जाता है। आर समाज से आगे आप बढ़ेंगे सर, एक गली आती है जहाँ बैंड बैंड लाइन से खड़े रहते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका एक रास्ता जो उधर चरिया गोला की तरफ निकलती है, खाना वाला एक वही गली। हाँ, उस गली में सर मेरा खुद का घर भी है, गली के बाहर तक मेरा ये सपोर्ट है, मेरे वहाँ खुद कैमरा लगा है, गली के अंदर जितनी भी नॉनसेंस होती है रात में वहाँ पे सबसे ज़्यादा, वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, कोई भी आता जाता है, कोई घटना हुई है क्या? उसी में से उधर ही से आने जाने वाले नॉर्मल टाइम में चुका है कि कोई भी उधर से कहीं भी निकल जाता है। देखिए जनता के साथ संवाद किया जा रहा है इसमें, और अलग अलग तरह की कई समस्याओं को उन्होंने बताया, जैसे कई जगह रोशनी की समस्या है, वहाँ क्राइम की घटनाएं थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, कहीं पे सड़क की समस्या भी बता रहे हैं जैसे एक्सीडेंट की संभावना रहती है, उनसे वार्ता की जा रही है, जो भी उन्होंने जगहें बताई हैं उसके संबंध में जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। डायल 112 की जो गाड़ियाँ हैं उनको रूट को चेंज किया जाएगा ताकि उन हॉटस्पॉट्स पर उनका जो है उस समय पर जिस समय घटनाएँ ज़्यादा होती हैं
उस समय वहाँ पे वो उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे सुझाव आए हैं जनता की तरफ से, संबंधित विभागों को इसके बारे में बताया जाएगा और जो पुलिस विभाग संबंधित है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कुछ खराब फिगर बहाल करने लोगों, हाँ इसके बारे में बताया गया है, कुछ ऐसे जगह हैं वहाँ बताया गया, वहाँ पे शादी में ड्यूटियाँ लगेंगी और हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। जहाँ भी हमें सूचना मिलेगी वहाँ हम लोग पहुँच के ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे।